अस्सलामुअलैकुम जी डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो मॉड्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जा सकता है और वो कैसे दिखते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और जो बने हुए हैं उनको हमने कैसे पहचानना है। तो मॉड्यूल्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे अगर हम आएँ तो इस फाइल के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं जो कि .py के नाम से हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये तो चूँकि वो जुपिटर के अंदर फाइल्स बनी है, इसकी एक्सटेंशन ये है, लेकिन जो फाइल्स हम py के अंदर से एक्सेस करते हैं और उस फाइल के अंदर जो कोड होगा वो सारे का सारा जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं और उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, और उसके अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे लॉट्स ऑफ जो है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर अगर आप आते हैं तो आपके पास इंस्टॉल पैकेजेस अवेलेबल हैं। अब इन पैकेजेस के अंदर जो है वो सारी की सारी फाइल्स मौजूद होती हैं .py की, और py के अंदर पाइथन का कोड होता है, उस पाइथन के कोड को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं अब एक जो मेरा फोल्डर है यहाँ पे मैं एक नोटपैड की फाइल के अंदर यहाँ पे कुछ जस्ट एक वेरिएबल लिया मैंने और उसके अंदर वैल्यू सेव करवा दी 20 और 30। ठीक है, अब इसको मैं फाइल को सेव एज करता हूँ .test.py। इसके साथ सेव किया, सेम उसी लोकेशन पे सेव करवा रहा हूँ, दैट्स इट। इसको सेव करें, यहाँ पे आपके पास जो है वो फाइल आ जाएगी। जी, ये हमारे पास फाइल आ गई है। अच्छा, अब इस फाइल को हमने एक्सेस करना है अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो जुपिटर नोटबुक हमारी जो है वो हेल्प करती है इन तमाम चीज़ों को एक्सेस करने में और पाइथन की मॉड्यूल्स को, फाइल्स को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमने जो ML प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया है इसके अंदर यहाँ पे अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद इस फाइल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अपलोड का बटन आ गया, इसको अपलोड किया, ये हमारे पास टेस्ट फाइल आ गई। इसको अगर आप खोलते हैं तो ये आप इसको जुपिटर के अंदर हम इसको खोल के देख सकते हैं इसके अंदर क्या कोडिंग अवेलेबल है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो ये वाली जुपिटर नोटबुक है इसके अंदर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे इसको करवाना होगा इम्पोर्ट। लाइक दिस, हमने इससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इम्पोर्ट की हुई हैं। ये देखें, जैसे पेंडस है, मैट प्लॉट लिब है। ठीक है, इस तरह से और भी डिफरेंट हमने जो पैकेजेस हैं वो इम्पोर्ट किए थे लास्ट टाइम। अगर हम इसमें इसको यूज़ करना चाहते हैं हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इम्पोर्ट टेस्ट, शिफ्ट एंटर प्रेस करें। अगर तो कोई एरर नहीं आता तो मतलब कि आपके जो फाइल है वो सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो चुकी है, अदरवाइज वो आपके पास एरर आएगा। फाइल का नेम चेक कर लें, पाथ चेक कर लें ताकि आपको कोई उसकी परेशानी ना हो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी फाइल्स को एक्सेस किया था। अब इसको हमने रन करना है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, टेस्ट के अंदर से हम जो भी डेटा है या फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेस करना है, टेस्ट डॉट वैल्यू हमने क्या लिखी थी, जस्ट पर, बल्कि उसको खोल के देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट, तो मैंने यहाँ पर जस्ट लिखा, शिफ्ट एंटर प्रेस किया, जो उसके अंदर वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो गई है। तो हम इस तरह से अपने मॉड्यूल्स को पाइथन के अंदर जुपिटर नोटबुक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अगर जितना भी कोड करेंगे हम नोटपैड के अंदर या हमने लोकली जो फाइल्स बना के रखी हुई हैं उसके अंदर हम अपनी एक क्लास बना के रख लें, उसमें मेंबर फंक्शंस डाल लें, उसमें डेटा मेम्बर्स डाल लें, यानी हमने बेसिकली एक अपने स्क्रिप्ट जो है वो तैयार कर लिया, उस स्क्रिप्ट को जो है वो हम जुपिटर नोटबुक के अंदर रन कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट को या मॉड्यूल को हमें सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करने के बाद ही हम उसे रन कर सकते हैं या चला सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद अपडेट करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।